अल्लाह हतमी और गैन तीजा आ गया तो ईद की जानब से चीज़ें उठा उठा के फेंक रहा है, बहुत ही गुस्से में है। वेरी गुड, तो इधर किधर से ले आई? ओ तो इतने स्पेशल बैग लिया किसी रास्ते, लेकिन देन की जहमत नहीं हुई, प्या प्या खराब हो गया। ओह लगता वन साइडेड लव सी तेरा। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। तो अभी का सीन है कि अभी उठे हैं, बिल्कुल अभी उठे यार। तो ये सब बोल रहे हैं कि दिल में थोड़ी सी जलन हो रही है, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें जाना होगा लीमू लेने, लेमन। तो लेमन हम लेंगे अपने जाती पैसों से, बिल्कुल नहीं, जहाँ फ्री रखता है उधर लगाओ, पैसे बचाओ। तो चलते यार, देखते हैं किधर से हमें लेमन मिलेंगे फ्री। चलो जी, पहुँच चुके हैं जी अपनी डेस्टिनेशन पे, यहाँ पे हमें मिलेंगे फ्री वाले जो है लेमन। तो ऑलरेडी इधर मौजूद है, तो ये सब क्या लेने आए हो? अस्सलाम वालेकुम जनाब, इधर बाहर से नींबू मिलता है 1 रुपए का, एक मतलब 1 रिंगट का एक नींबू, तो वो थोड़ा सा फ्रेश भी नहीं होता, इसीलिए हम इधर आए हैं कि चलो थोड़ा बहुत चोरी का इल्जाम तो लग जाएगा, पर फ्रेश नींबू और मुफ्त में मिल जाएगा। तो फ्री के लींबू खाओ, पैसे बचाओ। चलो तोड़ते हैं लींबू और देखते हैं कि कैसे लींबू है। सबसे ज्यादा खतरनाक इधर मच्छर है और बंदर है, यहाँ का मच्छर भाई बहुत जालम है यार, अभी काटने लग गया है, देख रहे हो बहुत जालम मच्छर है। और इधर पीछे ऊपर जो आप देख रहे हो, ऊपर में है बंदर, बहुत ही हरामी किस्म के बंदर हैं। हाय 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 भाई, बड़े चौकस किस्म के जो इधर है ना लेमन है। नींबू दिखाओ कैसे है, क्या बात है यार, क्या बात है, फुल फ्रेश एंड डिलीशियस। नींबू किधर से डिलीशियस आ गए, लाया, फ्री का माल बिल्कुल नहीं छड़ना। अगर इतनी मेहनत होते तो करनी पड़े तो घर अपने करेगा, लेकिन फ्री से महाराज तक करनी पड़ेगी। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मच्छर भाई बहुत तेज है यार, मच्छर बहुत ज्यादा काट रहे हैं। लकड़ी की लड़की, अब ये हमें ढूंढनी पड़ेगी एक छोटी सी लकड़ी अपने लिए। हाय हाय हाय, नाश्ते में देसी मुर्ग साथ में पराठे, क्या बात है, बोनस की मजेदार है, मजेदार पड़ता, कैसा मजा है। बड़ी ये तुम पता केड़े लीमू ने जेडे बारो चोरी लेके आए जी, उन्हों का जे ताही तो मजा आ रहा जे फ्री दे जे अपने पैसे लगे हों, तो जेन च रहा है कि पैसे लग गए ने बड़े ते दिल नहीं करता। हाँ ये फ्री का माल है ना, तो तेरा मजा भी ज्यादा है। नाश्ता भी हो गया, खाना पीना भी हो गया, पानी भी पी लिया, सब कुछ हो गया, एवं अभी पेट फुल है, अभी इसको करना होगा थोड़ा काम, और करेंगे उसके लिए काम। काम करने के लिए हमें चाहिए बड़े बड़े आदमी, तो इतने अपनी पोजीशन संभाल रही है। अभी इस कमरे से निकलेंगे चौधरी फजल अलाई खरल साहब, और उस कमरे से निकलेंगे भट साहब, और मैं बस वीडियो बनाऊंगा और इनका ख्याल करूंगा ये काम ठीक कर रहे हैं या नहीं। तो आज हमें छुट्टी या काम पर नहीं जाना, तो सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा घर को साफ कर लिया जाए, क्योंकि ये भी हमारी जिम्मेदारी है। हाँ जी, हमारी जिम्मेदारी है, और किसने करना है। तो चलते हैं और काम को करते हैं स्टार्ट। अल्लाह हतमी और गैन तीजा आ गया, तो ईद की जानब से चीज़ें उठा उठा के फेंक रहा है, बहुत ही गुस्से में है। वेरी गुड, तो इधर किधर से ले आई? ओ तो इतने स्पेशल बैग ले आया किसी रास्ते, लेकिन देन की जहमत नहीं हुई, प्या प्या खराब हो गया। ओह लगता वन साइडेड लव सी तेरा। जी फजल खल साहब भी तशरीफ ले आए हैं, तो अभी पहले हमें इसको थोड़ा सा ये जो गंद कटना, मैं फड़ना इधरों ना, एक मिनट। चलो जी, पता नहीं क्यों है यार, नींदर आ गई है नसल च बड़ी। शाबा शाबा, बस हो गया, मैं वीडियो बना रहा, सही सही सफाई करो, बिस्सी ना कराया जी, हैंड फ्री ना यार, इन्हों की बहुत जरूरत थी यार। वेखो तो टेबल का की हाल किया,
उस तो बाद किचन का देखो की हाल है, ओए होए 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 सारी सफाई करना, पहले हूँ थले पानी मार ओके। आज मेरी सलाह बनती है भी थोड़ा जहा ना उत्ते सुट के ना सरफ बेहतरीन किस्म की, दिल करता भाई यार जरा को सही सफाई होनी चाहिए है, हैवी किस्म की हैवी होगी। ओके जी फजल साहब कह रहे हैं हैवी होएगी, अगर हैवी करोगे तो अज तुम शाम को कोको कोला बेहतरीन किस्म की ठंडी ठार। केड़ा ओए बहुत ज़्यादा गंदे यार देखो बहुत गंदे आदमी पाए गए हो, सही तरह सफाई करनी सीखो ताकि तिहाड़ियाँ बेगमों बाद सुकून होए, उन्होंने पता लगे मेरे हस्बैंड शरीफ एडे शरीफ ने सफाई भी करेंगे खाना भी पकाएंगे ते बाद चो कदी कदी हल्की जी आंच ते पैर भी दबाएंगे ना समझिया कर, ये भी काम जरूरी है पैर पूर भी दबाने पै सकते हैं कदी कदी कोई नहीं अड़ा इशू। हाँ बहुत ही रनमिटी भी करनी हल्की जी आंच ते करनी है जी तुम साहब मेरी जरूरत है भी ये छोटा जहा मेडिकल स्टोर है साढ़ा तो इधर उन्होंने अक्सर जरूरत होती है तो बाकी और की करना पिछा मुड़ वे डोलना एक टावल वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छी सफाई कर रहे हैं तेईर तो इधर भी बेगम इंशाल्लाह सुख च रहेगी क्योंकि वह फ्यूचर हस्बैंड बिल्कुल एक्सपर्ट हो गया सफाई के बस उन्हें हांडी पकानी रह गई है तो रोटियां पकानियां उस तो बाद रेडी है शादी वास्ते फोर मैन तो बिल्कुल रेडी हो गया वेखना जुत्तियां भी अपने आप रखते बेच वे इन क्या आते हैं यार शूज रैंप इन पता नहीं क्या आते हैं फोर मैन भी हम पूरे एक्सपर्ट हो गए शादी के लायक हो गए क्योंकि सारे काम जान गए रोटी भी हांडी भी सफाई भी वेरी गुड ओके हूँ फोरमैन जी मैं तेरे नाल हाँ तेरी मैं आवाज़ हाँ फोरमैन की शादी करो जल्दी से जल्दी शादी करो क्योंकि हूँ तू एक्सपर्ट है मेरे कागज है तू पास है सारा कुछ सुन है साड़ी शादी नहीं होनी सानू बड़े रसूल की बात है नहीं मैं फिर मैं फिर चेक कराऊंगा ना तुझे शादी कराओ मैं चेक कराऊंगा कि सूरत हाल है तो अगर ठीक काम है फिर मैं करवाऊंगा जे तू जे तेरे तय जना सही आए तो फिर मैं सोचांगा इस बारे लो जी सब तो इंपोर्टेंट काम जो काम है पक्खे साफ करने वाला भी सीख गया जे फोरमैन फजल कर ला हूँ तो बिल्कुल ही सुखी काम हो गया तेरे वाला क्योंकि मैं भी जो पाकिस्तान से मेरी अम्मी ने भी बड़े मेरे को पक्खे साफ कराए ने बहुत औखा काम लगता है यार हसन अहमद साहब प्रदेश कैसा है प्रदेश पाकिस्तान जाके हाथ लाओगे ना ना पाकिस्तान सुना सूट पा के अड करा गे अच्छा ये कि रोटी दियो पाकिस्तान में जिन्ना तक थोड़े को पैसा थोड़े घर आली इज्जत करेंगे अगर पैसे तो बगैर थानू दूजे साल लग गया तो मैं फल लेवे दूसरे दिन इतने जो पैसे करिए ना फिर आखते उधर रोटी जी खाती है जो पैसे ना करिए तो पूछ ले नहीं करती तो मरो। ओके जी बाहर की तो सफाई हो चुकी है आप देख सकते हैं बेहतरीन किस्म का हो गया काम आपको बैक कैमरा लगा बाहर का तो नीट एंड क्लीन हो गया सिस्टम अभी वो वाला एरिया रह गया तो अभी वो वाला एरिया भी करते हैं तो ये मैं आपके पास छतरी का होना भी लाजमी है क्योंकि मलेशिया में बुरे वक्त का और बारिश का कोई पता नहीं कभी भी आ सकता है सो आपको इसके लिए तैयार होना चाहिए। ओके अभी चलते हैं किचन की तरफ किचन में क्या सीन होना है ये टेबल है इसको भी साफ करते हैं और फजल साहब फुल फॉर्म जिन्हें अंदर वेरी गुड हाय 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 गुड वधिया हो गया ना काम दफा कर वैपर का कर वेरी गुड जरा राइस कुकर भी थले रख दे ट्रेवा खत्म हो गई अंडे ये क्यों रखी निशानी के तौर पर कि असं अंडे खाने ओ
ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਈ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਟਾਈਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਡੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਹਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਟੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂ। ਆਏ ਹਾਏ, ਹੋ ਸਫਾਈ ਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਭੀ ਵੋ ਕਰਤੇ ਹੈ ਰੈਸਟ, ਸਫਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੇਂ ਕਿਸੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਸੋ ਹਮਨੇ ਸੋਚਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਮਾਰਾ ਰੋਜ਼ਾ 3 ਤਾਰੀਖ ਕੋ, ਤੋ ਅੱਜ 31 ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, 31 ਹੈ, ਤੋ ਕਿਸੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ। ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਭੀ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਛਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਾਮ ਸੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇਗੇ, ਅਭੀ ਜਬ ਛੁੱਟੀ ਹੋਗੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਈਦ ਪੇ। ਓਕੇ, ਸਾਜਿਦ ਕਾ ਹਮਾਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਸਾਜਿਦ ਉਸਕਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਤੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤਾ ਹੂੰ, ਯੇ ਸਾਰਾ ਛੀਲਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਇਸਕਾ ਜ਼ਖਮ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰਾ ਛੀਲਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਓਹ ਹੋ, ਯੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਵਜੀ? ਮੈਂ ਉਹ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਲੋਕਲ ਹੈ ਕਰੀ ਜੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਕੋ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀਰਾ ਤੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਐਂਜ ਮਾਰੇ ਨੇ ਬੰਪਰ ਤੇ ਫਟੇ ਨੇ ਮਾਰੇ। ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਾਂ? ਮੈਂ ਚੁੱਟਦਾ ਹੀ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਸੇ, ਹਾਂ ਪੈਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ, ਮੈਂ ਐਂਜ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵਾਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਣ ਕਿ ਕਰ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ ਯਾਰ, ਕੈਸੀ ਬਗੈਰਤੀ ਹੈ, ਪੈਦਲ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਯਾਰ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਪੈਦਲ ਟੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਰ ਅਭੀ ਰਾਤ ਕਾ 1:15 ਕਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਨ ਲੋਕੋ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਖਿਰਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲਤੇ ਕਿ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੈਫ ਤੋਹੀਦ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਬੜੀ ਅਮੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੋ ਅਭੀ ਹਮ ਲੋਕ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਬ ਬਣਾਏ, ਤੋ ਤਬ ਹਮ ਜਾਏਂਗੇ ਬਾਹਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਮਿਰਚ ਹਲਕੀ ਰੱਖੀ ਆ ਜੇ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਰਕਰੇ ਟਾਈਪ ਹੋਣ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਪਾਈਸੀ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਚ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਹਲਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਕਰੀਮਾ ਕਸ ਸਭ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਿਪਸ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਗੋਲ ਗੁੱਪੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਾ, ਓਕੇ ਜ਼ੀਰਾ ਪੀਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਤ? ਜ਼ਰਾ ਕੁਛ ਸਪਾਈਸੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਦ ਆਏ, ਬਸ ਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਾ ਸਪਾਈਸੀ ਕਰਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਆ ਬੱਕਰੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਈਏ ਸਪਾਈਸੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਡੰਡਾ ਆਉਂਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਚੱਟੂ ਵੱਟਾ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਲਫਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਚੱਟੂ ਵੱਟਾ ਅਤੇ F4 ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਲਫਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ,